उत्तराखंड में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जिन्हें देखकर मन तृप्त हो जाता है। नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी और चमोली जनपद द्वारा चारों तरफ से घिरे इस स्थान के अगल बगल में दो नदियां कोशिका और शालमली बहती है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। आपको बता दें, हिमालय के पश्चिमी भाग में 5 किलोमीटर तक घोड़े की नाल के आकार में फैला है कश्यप पर्वत, जो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। यहीं पर बसा है अल्मोड़ा। तीन तरफ से देवदार और चीड़ के पेड़ों से ढके वे पट्टेदार पहाड़ों से घिरे इस रमणीय स्थान के पग पग पर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरी पड़ी है। आज हम आपको इस खूबसूरत जगह में कुछ धार्मिक मंदिरों को भी दिखाते हैं। आपको बता दें, नंदा देवी मंदिर। नंदा देवी का प्राचीन मंदिर अल्मोड़ा शहर में स्थित है। यह देखने में इतना खूबसूरत है कि इसको देखते ही मन तृप्त हो जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। पंचमी से प्रारंभ होने वाला यह मेला 5 दिन रहता है और नवमी के दिन माँ नंदा और सुनंदा का डोला शहर भर में धूमधाम से घुमाने और फिर विसर्जित कर देने के बाद समाप्त हो जाता है। वाकई यह मंदिर बहुत शानदार और भव्य बना हुआ है। राजकीय संग्रहालय। अल्मोड़ा संग्रहालय एक ऐसा बेहद अद्भुत है कि इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, जिसे गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मध्य हिमालय के ऐतिहासिक, पुरातात्विक और सांस्कृतिक महत्व की वस्तुओं का अद्भुत संग्रह है। आपको बता दें, यहाँ कुमाऊं क्षेत्र की लोक चित्रकला एपेशा की अनेक कृतियां भी यहाँ देखने को मिलती है। ब्राइट एंड कॉर्नर। अल्मोड़ा शहर से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर बसा स्थान सूर्योदय और सूर्य अस्त का बहुत ही मनभावन दृश्य दिखाई पड़ता है। सूर्योदय का दृश्य देखने के लिए सुबह से ही पर्यटक एकत्रित हो जाते हैं। भीड़ का हुजूम इस कदर उमड़ता है कि देखने लायक होता है। इस स्थान के पास ही आकाशवाणी केंद्र, सर्किट हाउस और विवेकानंद स्मारक भी हैं। सर्किट हाउस के पास माहौल इतना शांत है कि वहाँ कुछ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। विवेकानंद स्मारक भी दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र आज तक बना हुआ है। डियर पार्क। आपको बता दें, अल्मोड़ा से 3 किलोमीटर दूर नारायण तिवारी देवाल में स्थित यह एक बहुत ही रमणीय पार्क है। यह पार्क का नजारा इतना अद्भुत है कि आसानी से यह लोगों का मन मोह लेता है। पिकनिक मनाने के लिए भी लोग प्रिय यहाँ आते हैं। रोजाना शाम को यहाँ बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।